तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BSCV अपडेट। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन जो सबका जारी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जिसका भी छूट गया था, यानी कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। अगर आप लोग इस बार 12th का एग्ज़ाम 2023 में देंगे या 10th का एग्ज़ाम, तो रजिस्ट्रेशन छूट गया था, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने भी छात्र का यहाँ पर छूट गया था, उन लोगों का बिहार बोर्ड ने डेट जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अगस्त के महीने में ही डेट जारी किया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगस्त के महीने में डेट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा और कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आप लोग अप्लाई करना है, इसका पूरा जानकारी कहाँ पाना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और भी बिहार बोर्ड से जुड़ी नोटिफिकेशन पाने के लिए आगे भी आप लोग का जो है और भी आप लोगों का नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों का फॉर्म भराएगा, फॉर्म भी आप लोगों को भरने सिखाऊंगा कैसे भरना है। यहाँ पर अभी डमी रजिस्ट्रेशन का जो है, फिर से रजिस्ट्रेशन जिसका छूट गया था उसको लिए यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रूफ चाहते हैं। तो ये जो आप लोग को प्रभात खबर आर्टिकल 7 तारीख का, आज 7 अगस्त है, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए बताया गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए नियमित कोटि के अध्ययन एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन आवेदन दिनांक 8 अगस्त से 14 अगस्त तक भरे जाने एवं विलंब शुल्क, यानी कि आपको लेट फाइन के साथ जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन भरना होगा आप लोग का 8 अगस्त। यहां देख लीजिए, 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आप लोग का डेट दिया गया है, 8 अगस्त से 14 अगस्त तक डेट दिया गया है। और यहाँ देखिए, और ये किसका है, मैट्रिक वाले का है, इंटर वाले का है, देख लीजिए। यहाँ देखिए, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए विधिवत 9वीं कक्षा में नामांकित अध्ययनरत नियमित स्वतंत्र कोटि छात्र छात्रा का पंजीयन 2000 विद्यालय प्रधान के द्वारा ऑनलाइन समिति वेबसाइट पर, यानी कि सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com पर भरा जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, अंतिम जो है तिथि 30 तक दिया निर्धारित थी, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 30 तारीख तक दिया गया था डेट, तो यहाँ पर देख रहे 2021 में, लेकिन इस बार जो छूट गए, यहाँ देख सकते हैं, अनुमति आवेदन भरे जाने से वंचित छात्र, यानी कि जो छूट गए थे, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त से 14 अगस्त तक अंतिम रूप से तिथि निर्धारित की जाती है, यानी कि 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आप लोग को डेट दिया गया है, आप लोग जो भर लीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ देखिए, ऑनलाइन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क ₹50 है, नियमित रेगुलर कोटि के लिए, नियमित कोटि के लिए और स्वतंत्र कोटि के लिए ₹50 है, सब मिला के आप लोग 420 रुपया लगेगा आप लोग को, और स्वतंत्र कोटि के लिए 550 लगेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ जो है 420 और 550 रुपया लगेगा। तो आप लोग अपने अपने स्कूल में अलग अलग यहाँ पैसा लिया जाता है करवाने का। यहाँ फिर देखिए, जिन छात्र छात्रा का विद्यालय के प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन 30/10/2021 तक भरा गया है, वह 14 अथवा दिनांक 14 अगस्त तक भरा जाएगा, परंतु चालान 20 तक अनिवार्य रूप से शुल्क जमा कर दें, यानी कि शुल्क आप लोग 20 तारीख तक जमा कर सकते हैं, लेट से भी उसमें टेंशन नहीं, लेकिन 20 अगस्त से पहले जमा कर देना है। लेकिन आप लोग का छूट गया था, लेकिन आप लोग कोई भी इस बार डेट से पहले 8 से 14 अगस्त के बीच में जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन का जो पूरा डिटेल्स पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए आप लोगों को जाना होगा क्रोम ब्राउजर। तो आप लोग क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा studysyllabusparveenkumar.com, इस वेबसाइट को सर्च करिएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग पूरा जानकारी देख सकते हैं कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ताकि आप लोग स्कूल जाए तो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाए वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद न्यू अपडेट पर क्लिक करना होगा, न्यू अपडेट पर क्लिक करिएगा तो आप लोग को देख सकते हैं ऊपर में आप लोग को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2023 छूटा हुआ आ गया 14 अगस्त, यानी छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग का जितने भी छात्र का होगा यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ये आप लोग को खुद देख सकते हैं, आप लोगों ने मैंने अभी बताया पढ़ के। उसके बाद आप लोग नीचे जाएगा तो आप लोग को यहाँ सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लोग को ले जाना है यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन आप लोग डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और 10th 12th का आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पाने के लिए 2023 में आप फिक्स है कि आप लोग एग्जाम देंगे, जितने भी छात्र छूट गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और पूरा तैयारी को सही से करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे आके 12th का देख सकते हैं, 12th वाले हैं तो ऑल PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वायरल क्वेश्चन का, सेंटअप एग्जाम का भी मैं जानकारी दूंगा, बस चैनल से जुड़ जाइए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF यहाँ पर देता हूँ, और साथ ही साथ जो है आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाके आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। और 10th का भी ऑल सब्जेक्ट का PDF यहाँ मिल जाएगा। तो उसके बाद बिहार बोर्ड का न्यूज़ पाने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसका भी रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ है, ताकि वो भी डाउनलोड करिए, और नीचे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।